बच्चों आज हम सभी पार्ट आठ अगर पेड़ भी चलते होते इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, वृक्ष हमारे किस किस काम आते हैं? इसका उत्तर है, वृक्ष हमारे बहुत सारे काम आते हैं, है ना। जैसे पहला हो गया, वृक्ष से फल फूल तथा लकड़ी मिलती है। दूसरा हो गया, वृक्ष वर्षा कराने में सहायक होते हैं। वृक्ष भूमि के कटाव को रोकते हैं। वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। वृक्ष पर्यावरण संतुलित रखने में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर दो, हमें वृक्षों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? इसका उत्तर है, हमें वृक्षों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीन, वाक्य पढ़कर विलोम शब्द पहचानो। भूमि आ जाइए, पहला वाक्य पढ़िए। मुझे चलते चलते धूप लगी, मैं पेड़ की छांव में बैठ गई। इस वाक्य में कौन कौन से शब्द एक दूसरे का विलोम है? धूप छांव। धूप और छांव, बहुत बढ़िया। दूसरा वाक्य पढ़िए। ऊपर से फल नीचे गिरा। ऊपर से फल नीचे गिरा, इस वाक्य में कौन कौन से शब्द विलोम शब्द हैं? ऊपर नीचे। ऊपर नीचे, वेरी गुड। तीसरा वाक्य पढ़िए। सबका भला सोचो बुरा नहीं। सबका भला सोचो बुरा नहीं, इस वाक्य में कौन से शब्द एक दूसरे का विलोम है? भला बुरा। भला बुरा, वेरी गुड। भूमि के लिए क्लैपिंग करिए। इसके बाद विकास आ जाइए। पाठ के आधार पर वाक्यों को जोड़ो। आप पढ़िए, पेड़ को कहीं ले जाने के लिए किसे मिलाओगे? पेड़ के तने में रस्सी बांधते। हाँ, पेड़ के तने में रस्सी बांधते। भूख लगने पर पेड़ के मधुर फल खाते। पेड़ के मधुर फल खाते। बाढ़ आने पर पेड़ के ऊपर चढ़ जाते। पेड़ के ऊपर चढ़ जाते। धूप सताने पर पेड़ के नीचे आ जाते। पेड़ के नीचे आ जाते, वेरी गुड। जिताब लिख लेने के लिए। इसके बाद ललित आइए, अपने आसपास के उन पेड़ों के नाम लिखो जिन पर फल लगते हैं। आम। एक आम हो गया, दूसरा बताओ। अमरूद। बहुत बढ़िया। जिन पेड़ जिन पर फल नहीं लगते हैं? शीशम। और दूसरा? पीपल। वेरी गुड। लिए